हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार मोटर्स। आज आपके लिए एक ब्लैक कलर की हाईलाइटर लाए हैं। इसमें स्पेशल तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया कि अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं, जो कि हुंडई जेन्युइन है। डिजाइन भी बताऊंगा, मॉडल भी बताऊंगा कौन सा हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। फिलहाल गाड़ी की बात करते हैं। ये हमारे पास टोयोटा हाईलाइटर का बेस वेरिएंट, सामने भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास एक और है जो कि वहाँ पर खड़ी हुई है। अब इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले जो आप लोगों को इंस्टॉल करनी चाहिए चीज़ें, अपनी जो बेसिक एक्सेसरीज किट आप समझ लें, जिसके अंदर हम लोग LEDs इंस्टॉल करते हैं 200 वॉट से लेकर 240 वॉट तक, वो इसमें इंस्टॉल किया गया। साइड प्रोफाइल के अंदर आते हैं तो डोर वाइजर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। डोर वाइजर में इसके अंदर हम लोगों ने 6 पीस इंस्टॉल किया क्रोम लाइन, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद रूफ रेल्स इंस्टॉल करें सिल्वर कलर के। ऑटो फोल्डिंग की रिले इंस्टॉल करिए, लॉक अनलॉक पे आप लोग रिले से वर्किंग कर पाएंगे। लोअर गार्निश इसमें इंस्टॉल किया 6 पीस का। मेन जो हमारा अट्रैक्शन है, अलॉय व्हील आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले अलॉय व्हील चेकआउट करें, बिल्कुल जेन्युइन अलॉय व्हील है विद बारकोड। आप लोगों को यहाँ पे चीज मिलती है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बारकोड आप लोगों को मिलेगा। अब ये देख लें, यहाँ पे मॉडल नेम आप लोगों को मिल जाएगा। N9 के अलॉय व्हील है, जो कि हुंडई करेटा 22 लाख वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को मिलता है। तो हम लोगों ने जो टॉप एंड वेरिएंट का N9 का 18 इंच का अलॉय आता है वो इंस्टॉल करा है। इसमें जो टायर साइज आता है, टायर साइज 17 आता है कंपनी से, पर हमने इसके अंदर टायर भी चेंज करा है 215/55R18 का टायर इंस्टॉल करा है। साथ में अपना अलॉय व्हील भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया पूरा का पूरा। तो लुक चेक है, तो अलॉय का पूरा लुक चेकआउट कर सकते हैं। कैप भी इसमें टोयोटा वाली लग जाती है, तो कैप लगने के बाद लुक पूरा का पूरा 18 इंच का आप लोग साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं किस तरीके का आ रहा है। अगर आप फोटो देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, वहां से आप लोग कार की फोटो चेकआउट कर सकते हैं। अंदर भी इसमें जो है लिटिल थोड़ा बहुत काम हो रखा है, ज्यादा तो बेस टू टॉप वेरिएंट वाला नहीं है। जैसे देख सकते हैं, सिर्फ हैंडल के ऊपर यहाँ पे इंटीरियर रैप किया गया विद डुअल स्टिचिंग। साइड पैनल पे नहीं है, डैशबोर्ड पे नहीं है, कोई पार्ट ग्लॉसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। गियर नॉब इसमें खाली एक इंस्टॉल कर दिया है। फ्रंट यूएसबी इसमें आती है, बैक आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। स्टीरियो इसमें था लगा हुआ। उसके अलावा स्टेयरिंग जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, स्टेयरिंग हम लोग जो मून टाइप में अपना इंस्टॉल करते हैं जिगजैग स्टिचिंग वाला पूरा का पूरा, वही इसके अंदर भी इंस्टॉल किया है ताकि फिटमेंट जो है पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से आ जाए। तो ये पूरा जिगजैग स्टिचिंग यहाँ पे रहता है, मून टाइप डिजाइन रहेगा। कलर आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। OEM डिजाइन के अंदर इंस्टॉलेशन फिटमेंट हो जाती है, तो कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी फिटिंग वाइज स्टिचिंग वाइज पूरी लुक चेकआउट कर सकते हैं, पूरी 00 फिटमेंट में आ जाती है। सीट कवर की बात करते हैं, जो ओरिजिनल ग्रैंड विटारा के अंदर आते हैं ब्राउन वाले, ब्राउन ब्लैक के, वही वाले इसमें हाईलाइटर में इंस्टॉल करें ब्राउन ब्लैक के साथ, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी इंटीरियर था तो काफी लोगों को ये डिजाइन कलर पसंद आता है। जिनकी गाड़ी में ये कलर आता है तो उन लोगों को ब्लैक ज्यादा पसंद आता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसके अंदर ओरिजिनल डिजाइन इंस्टॉल करा है, जिसमें 20mm की फॉर्म यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। 20mm फोमिंग वाले सीट कवर इसमें इंस्टॉल करें, जिसमें सेंटर पार्ट परफोरेटेड रहता है, बाकी आप लोगों को ब्लैक मिलेगा। नीचे फ्लोरिंग नहीं है, इसलिए मैट थोड़े अच्छे वाले इंस्टॉल कर दिए, ईगल के मैट यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे 90 मैट है, तो 90 मैट की फिटमेंट एंड क्वालिटी चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी साइड से H2H कवरेज ले लेती है अगर फ्लोरिंग ना कराना चाहें तो, ये भी ऑप्शन रहता है, लेकिन रिकमेंडेड रहता है कि फ्लोरिंग जरूर नीचे कराएं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बाद में वैक्यूम कराने पड़ते हैं आप लोगों को हर महीने। उसके बाद एक हाईलाइटर की वेलकम प्लेट इंस्टॉल करी है, सेम अपना डोर हैंडल आ जाता है सॉफ्ट टच वाला, बस दैट्स इट। बेसिक काम है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन अट्रैक्शन अपना अलॉय व्हील था, तो अलॉय व्हील मैंने आप लोगों को चेकआउट करा दिया। आप साइड प्रोफाइल भी पूरी की पूरी चेकआउट कर ले जाते के जाते, ठीक है। किसी को अलॉय व्हील लगवाने नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी इंटीरियर सीट कवर फुल्ली जो बेस टू टॉप वेरिएंट वाला काम होता है वो भी यहाँ पे रेडी हो जाता है। होपफुली वीडियो देख के मजा आया, इन्फॉर्मेटिव लगी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।